Come in. Good morning, sir. Come, come, my golden boy. भाई इनसे मिलिए, ये हैं असलम साहब, इन्हें कौन नहीं जानता। और ये है गौरव, ये मेरे खास दोस्त और इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मदन लाल कपूर के इकलौते बेटे। सर, डैड ने आपके लिए डोनेशन का चेक भेजा। यार मदन को मेरा थैंक्स कहना, भाई ट्रस्टी होने के नाते मीटिंग में तो आ जाता है, कभी चेक के बहाने दोस्तों से भी मिलने आ जाया करे। मेरी शिकायत जरूर करना उससे। जरूर करूंगा सर। और अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा चाय तो पीते जाओ। आज नहीं सर, फिर कभी। ओके, सी यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मम्मी। अच्छा तुम्हें कुछ याद है, कल क्या है? कल फ्राइडे। भुलक्कड़ कहीं की, फिर भूल गए। कल तुम्हारी बहन का जन्मदिन है। अरे हाँ मम्मी, इसलिए कल ऑफिस की छुट्टी। मगर मम्मी, अगर मगर मैं कुछ नहीं जानती। टुमारो नो वर्क, दैट्स फाइनल। और पार्टी फार्म हाउस में है, अंडरस्टूड? जो चीज मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके लिए हथेली जरा छोटी पड़ेगी। कोई बात नहीं, ये लीजिए। दो से भी काम नहीं चलेगा। ये क्या चीज देने आप मुझे भैया? ऐसा करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लूं? हाँ, बंद कर। ये लीजिए। दोनों आंखें बंद करो भाई, चीटिंग मत करो। थोड़ी सी चीटिंग? नहीं, थोड़ी भी नहीं। ओके, बंद रखना आंखें। घूम जाओ। घूमू? चुपचाप जहां मिले जा रहा हूं वहां चलो।
दिस इज अंतर भैया, छोटी छोटी सी चीटिंग अलाउड है। अरे साल में एक बार तो मत करो यार। चलो आँख बंद है ना। अच्छा अब आँख खोलो। कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी होगी ये पियानो खरीदने के लिए। लाडली, तेरे अलावा मेरा है कौन? तेरी ये खुशी के लिए अपनी सारी दुनिया लौटा दूं तो कम है। भगवान हर बहन को तुम जैसा भाई दे और हर भाई को तुम जैसी बहन। अटका दूं या लटका दूं? हाँ रुक जाओ, तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना एक एक को लटका दूंगा। किसी ने आज पहली बार मुझ पर हाथ उठाया है, इसको सिर्फ मैं लटकाऊंगा। मैं लटका दो साले को। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। और मुझे, अरे तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। ये छोटे मोटे जख्म तो हम गरीबों को मजबूत बना देते हैं, एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या मैं जान सकता हूँ तुम काम क्या करते हो? काम बहुत बड़ा करता हूँ, बड़े बड़े दफ्तरों की खाक जानता हूँ। डिग्रियां तो बहुत है लेकिन नौकरी नहीं। फिर भी कोशिश जारी है, कभी ना कभी तो मिल जाएगी।
ये लो, कभी भी इस पते पे पहुंच जाना, शायद तुम्हें नौकरी मिल जाए। ओके, सी यू, टेक केयर ऑफ योर हैंड। वैसे तो अपनी तकदीर इतनी बोलो नहीं है कि काम हो जाए, पर हम भी पीछे हटने वालों में नहीं है। अरे मैंने तो दोस्त का नाम भी नहीं पूछा यार। नेचुरल लिखा, नेचुरली हसी, खिलखिलाता नेचुरली फेयर, मनीषा बतायरा। इमामी नेचुरली फेयर, इसका सनस्क्रीन धूप से बचाए। दूध, खीरा, नारियल पानी और जड़ी बूटियां त्वचा के भीतर समाकर। मिस्टर दोरस्वामी, ये हमारा पीठ दरवाजा नहीं ठाक ठाक कर रहे, मेरे सामने आकर बात करो। आई एम नॉट दोरस्वामी, I am Ramaswamy Chatiyar, son of Rangaswamy Chatiyar, B.Sc. LLB, Computer Engineer. 27 Kolambagam Street, Madras 27, AVM Studio ka samne ye mera naam. Aap kon? I am Purnaswamy, son of Mrityuswamy, 32 Mablam Street, Madras 32. Amoy, this is my name. Welcome Swami. Ukarango. हमारे गांव का तो काफी लानर है, हमारे गांव का जो आगरा। बोल बुड्ढा, चल चल निकलते है। जवान चौकरे लोग बात करते हैं बीच में ही, ही, ही। आंटी किधर का? अयो माँ, ये मिस आपको आंटी लग रही है? ओह सुबोलियो सुबोलियो, मिस यू आर सो स्वीट। मैं क्या बल्ले बल्ले चढ़ी जवानी बुड्ढी नू। ओ बारी बरसी खटन गया सी, खटके ले आंदी कमान। ओए पाउडर सुरखी लाके हो गई बुढ़ी जवान। बुढ़ी ता सज दी जे नचन सारे जवान। मैं क्या अपने जंदे राही अनु मोटे मारे लंगे दी, अपने जंदे राही अनु मोटे मारे लंगे दी, अच्छरी जवानी देखो जाने लंगे दी। जल्दी जल्दी चल। अरे यार तुम, इमामी कंपनी का ऑफिस से बोल रहा है। अच्छा किया जो तुम आ गए, ये तो रोज इधर आता है। यार तुम्हारा गौरव कपूर तो बड़ा लेट लतीफ है, अभी तक आए नहीं। अच्छा हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सॉस लगाने के लिए इतने फोर्स में चले आ रहे हो। ऐसी भूल में मत पड़ना, वो उसूलों का बहुत पक्का है, बस यूं समझो कि बहुत टेढ़ी खीर है। अरे जा रहे, उस टेढ़ी खीर को मैं सीधा कर लूंगा, और अगर कुछ कसर रह गई तो तुम मेरी तारीफ के कुल बांध देना, पूरी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मान गए उस्ताद, तेरी तो बहुत चलती है यहाँ। हेलो सर, आई एम रोहित मल्होत्रा, सेंचुरी मारने के बाद सीधे आपके पास आया हूँ। माफ कीजिएगा, ये इमामी का ऑफिस है, कोई खेल का मैदान नहीं। इनका मतलब ये है कि 100 ऑफिस की खाक छानने के बाद ये यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। आपसे पहले इसने समझ लिया। कितना इंटेलिजेंट है देखा, और समझता कैसे नहीं, बचपन का लंगोटिया यार जो है। आज की बात बताएं, मैंने इसे लाख समझाया, मत चल मेरे साथ, मत चल। अरे मुझ जैसे पढ़े लिखे नौजवान को कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, है ना? लेकिन ये माना ही नहीं। अब देखिए, मेरी सिफारिश करने चला ही आया। हेलो, एक मिनट सर, आपका फोन। हेलो, यस मिस्टर गुप्ता, वो कंसाइनमेंट डिस्पैच हो गया। व्हाट, इतनी लापरवाही, वो कंसाइनमेंट इसी वक्त डिस्पैच होना चाहिए, एंड आई डोंट वांट एनी एक्सक्यूजेस। ओके मिस्टर सबरवाल, आप किस तरह के लापरवाह लोगों को रिकमेंड करते रहते हैं? सर आई एम वेरी सॉरी। इट्स ओके, यू मे गो नाउ। ना जाने कहां कहां से ऐसे लापरवाह लोग आ जाते हैं। गुप्ता भी, आई हेट दिस काइंड ऑफ इनडिसिप्लिन। रोहित come here. File. तो मैं तुम्हारा लंगोटिया यार हूं, तुम्हें नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, कल से तुम काम पे आ जाना।
ओके ओके प्यारे बेटे सुखी रहो। आगे समाचार ये है कि मैं चाहकर भी अपना पुश्तैनी मकान बचा नहीं पा रही हूँ। 10 तारीख को मकान नीलाम हो जाएगा। मैंने लाख कोशिश की मगर कहीं से भी इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकी। तुम किसी किस्म की चिंता मत करना, भगवान सब ठीक करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ। थोड़ी सी मोहलत और दीजिए, बस इन्हें रोक दीजिए। अगर तुम लोगों में से किसी ने एक भी सामान बाहर फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ शहरी बबुआ, फटे में टांग मत अड़ाओ। तुम होते कौन हो गांव वालों के बीच में बबू बोलने वाले? चलो भाई लोग। बेटे तुम? माँ जी, मैं रोहित का दोस्त गौरव हूँ। रोहित किसी काम के सिलसिले में बिजी था इसलिए मैं आया हूँ। आज तुमने मेरी लाश रख ली बेटा। तुम सुदामा के घर किशन बन के आए हो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। माँ जी, बेटा माँ पे एहसान नहीं करता, सिर्फ फर्ज निभाता है। ओ गॉड, इस डार्क को अभी फंक्शन होना था। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? भैया, मेरे प्यारे भैया, कितने चमक रहे हो आज, क्या बात है? चमकता तो मैं रोज ही हूँ, तुझे आज नजर आ रहा। असली बात बता, ये मस्केबाजी क्यों? कितने समझदार हो, आफ्टर ऑल भाई मेरे हो ना। रोशनी, काम की बात बताओ। भैया मुझे कॉलेज छोड़ दो ना प्लीज। रोशनी, मुझे वैसे ही देर हो चुकी है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वहाँ श्वेता मेरा इंतजार कर रही होगी। श्वेता, क्या तुम श्वेता को रोज लिफ्ट देती हो? हाँ भैया, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। बचपन में ही उसके माँ बाप एक प्लेन क्रैश में गुजर गए। उसके बाद उसके बड़े भाई के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। और आज भी शेखर भैया उसके सपने को पूरा करने में लगे हैं। सपना? कैसा सपना? श्वेता एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती है भैया। भैया रोको, यहीं पर रोको। हाय। 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 थैंक यू भैया, बाय बाय। थैंक यू, बाय। यकीन ही नहीं हो रहा। I don't believe it. You will have to believe it. श्वेता,
कॉलेज में तुम्हें गाते हुए सुना और मेरे दिल ने यह कहा कि इस हीरे को तराशना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सीखोगी? सर, लेकिन आपकी फीस? क्या कहा? फीस? वो तो मैं जरूर लूंगा। जानती हो मेरी फीस क्या है? रोजाना एक कप गर्मा गर्म कॉफी। मुझे मंजूर है। तो हो ना? हाँ यार, कुछ नहीं, ऐसे चक्कर आ गया था। डॉक्टर अंकल को दिखाए? अरे नहीं यार, मामूली सी बात है। तू भी चल, गेम खेलते हैं। शो, हाँ हाँ, अभी हार रहा है तो चले डॉक्टर अंकल के पास। श्वेता श्वेता श्वेता, मुबारक हो श्वेता, पूरा हॉल लोगों से खचा खच भरा हुआ है। हाउसफुल। लेकिन मुझे तो अभी तक कोई जानता ही नहीं, हाउसफुल कैसे हो सकता है? इतना भी नहीं समझी? थोड़े बहुत तेरे चाहने वाले, बाकी सब मेरे कदरदान। अरे कभी तो फेंकना बंद कर। एक्सक्यूज मी, आप में से श्वेता जी कौन है? मैं हूँ। लीजिए ये फूल आपके लिए। हाँ, थैंक यू। ओके मैडम, देखो तो किसका है। गुड लक श्वेता, शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा शुभ चिंतक। कमाल है, गाना सुनने से पहले ही फिदा हो गया, देखने के बाद क्या होगा। लगता है कोई खास फैन है। सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप ही की वजह से मैं ये दिन देख रही हूँ। आप ही वो जौहरी हैं, वो पारखी हैं। श्वेता, वो जौहरी तो मैं हो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें परखने वाला पारखी मैं नहीं, कोई और है। कोई और है? कौन है सर? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है, तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारा शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक?
मेरे चाहने वालों, आपके असीम प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, उस शुभचिंतक की बदौलत है जिन्हें मैंने आज तक देखा ही नहीं। उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूं कि मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। देखते ही दरवाजा बंद कर लिए। लगत है रात में कुछ ज्यादा ही चढ़ गई रहे बाबू। होत है बाबू, कबहू कबहू ऐसा भी होत है। अरे बाबू, हमका तो थोड़ी सी भांग में ही पूरी दुनिया उल्टी नजर आने लगत है। चले बाबू, जय राम जी की। गंगू भाई चाय देना। पैसा झाला गंगू भाई चाय। अरे धांधल काय करतोस तुला चाय? साहेब चहा। कोणाला बघताय? कोणाला नाही कोणाला नाही। अरे सुनिए जरा, एक मिनट रुकिए प्लीज। क्या कहा सरकार? मिस्टर सबरवाल, रोहित को मेरे पास भेजिए। सर आपको मैसेज नहीं मिला? क्या मैसेज? सर उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। रोहित, 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 क्या हुआ तुझे? तेरा बदन तो बिल्कुल ठंडा है। अरे तू भी उसे देखता तो बिल्कुल ठंडा हो जाता, बर्फ हो जाता तू। तू किसकी बात कर रहा है? वही जो हर शय में नजर आती है, कभी दूध देने आती है, कभी चाय बनाकर लेके आती है, कभी झाड़ू लगाती है, वो भी मेरे घर के सामने। धत तेरे की, खोदा पहाड़ निकला चूहा। चूहा नहीं, चूहिया। ओ, तो उसका नाम पता मालूम है? उसका नाम पता मालूम होता तो मैं यहाँ होता क्या? क्या यार गौरव, तूने किसी से प्यार किया क्या? बोलना यार। छोड़ना यार, मैं और प्यार, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम कहाँ है? अच्छा, दोस्त कहते हो और दोस्त से ही छिपाते हो, ठीक है। वैसे हम आपके है कौन? ऐसा मत बोल यार, एक तू ही तो मेरा दोस्त है। तो फिर बताना अपनी मोहब्बत की कहानी अपनी जुबानी। है एक शोक, चंचल, चुलबुली। अच्छा तो ये बात है हाँ।
तो फिर वादा कर, तू अपनी चुलबुली और मैं अपनी बुलबुली के साथ मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, डन डन। सर, हमारे यहाँ कुछ लेटेस्ट डिजाइन की शर्ट्स आई हैं। ये देखिए, ये लेटेस्ट स्टाइल है सर। कैसा लग रहा हूँ मैं? तू कहाँ खो गया यार? गौरव, रोहित, वो कौन? वो तेरे होने वाली भाभी यार। मेरी होने वाली भाभी? कहाँ? मिलवाओ ना। आज नहीं, फिर कभी। ए, मिलवाओ ना। नहीं यार। ठीक है, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसने लाल कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन रोहित, उससे कुछ कहना मत। इसे पैक कर दीजिए, मैं यही पहनकर जाऊंगी। ओके मैडम। खुदा तुझे गारत करे, तुझे जहन्नुम में भी जगह ना मिले, कमबख्त चिलगोजे के छिलके। एक्सट्रीमली सॉरी खाला जान। खाला जान, अबे ओ खाला के खालू, तेरी ये जुर्रत कि तू हमसे टकराए? जानता नहीं कमबख्त, आज से पहले चार मर्द हमसे टकरा चुके हैं और उन चारों को हमसे निकाह करना पड़ा। तू पांचवा है, चलेगा? माफ करना माई। अरे रुक, मैं अभी आई। गौरव, गौरव, क्यों, क्या हुआ? क्या मिली तुझे तेरी भाभी? ढूंढने गए, अपनी भाभी मिल गई तेरी भाभी। अच्छा, हाँ। तो वो भी यहाँ है? हाँ, मेरी फिरनी, मैं यही हूँ, रुको मैं अभी आई। क्या, ये है मेरी भाभी? नहीं, ये तेरी भाभी है ना मेरी भाभी, ये सारी दुनिया की भाभी है। चल भाग। अरे चल जल्दी। अरे यार, कहाँ भाग रहे हो? ऐसी बेगम नहीं मिलेगी। अरे रुक जा, मेरी बिरयानी की हांडी, मेरे बकरे की रान, अरे मेरे खिचड़े, मेरे हलीम। बच गए। बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। पता कैसे उनका दिल चुराना है, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। कहनी है, दर्द भी बताना है।
सिंगर है, फिर तो आपको गाकर ही खुश करना पड़ेगा। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, ना मांगू मैं सोना चांदी, मांगू दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरा पिया घर आया ओसिया जी, तेरा पिया घर आया ओसिया जी, तेरा पिया घर आया ओसिया जी, तेरा पिया घर आया ओसिया जी। चंगू भी साथ लाया, मंगू भी साथ लाया, लेके बारात आया हो। चंगू भी साथ लाया, मंगू भी साथ लाया, लेके बारात आया हो। तेरा पिया घर आया ओ सिया जी, तेरा पिया घर आया ओ सिया जी, तेरा पिया घर आया ओ सिया जी, ओ सिया जी। बाबा मन की आंखें खो, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मुँह से कुछ ना बोल, बाबा मुँह से कुछ ना बोल। रे बाबा अपना बटवा खोल, रे बाबा अपना बटवा खोल। गौरव गौरव रुक रुक यार,
नीचे कर, नीचे कर। क्या हुआ? मिल गई मेरी चुरबुली, मिल गई, मेरे दिल की कली खिल गई। अरे मगर वो है कौन? अरे जल्दी से चल, दिखाता हूँ। अरे कमाल है यार, क्या हुस्न है, क्या जमाल है। ओहो यार बता भी दे वो है कौन। शीज़ सिंगा। सिंगा? क्या हुआ, तूने गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है मेरी हवा निकली। तेरी मतलब मेरी गाड़ी की? थत तेरी की। ओह माय गॉड, इतना नजदीक लाकर धोखा दे दिया। नजदीक लाकर? हाँ, थोड़ा आगे जाओ, बाएं को मुड़ो, ऊपर देखो, वही वही नजर आएगी। अच्छा? हाँ। तू कहाँ रहा है? वही। अरे तू यहाँ का मैदान संभाल, मैं वहां जाकर आता हूँ। और वैसे भी तू तो उसको पूरी उम्र देखेगा, है ना? सी यू, बाय। टायर बदल देना। गॉड, ये वो नहीं है। मैडम, ये आपके लिए कोई फूल देके गया है। मेरे लिए? जी हाँ। ये पकड़ो। श्वेता, कई बार दिल ने चाहा तुमसे मिलूं, पर मिल ना सका। तुम भी सोचती होगी कि आखिर ये शुभचिंतक है कौन। कल मैं तुमसे मिलना चाहता हूं होटल पेनिनसुला में 6 बजे। शुभचिंतक। श्वेता, बहुत दिनों से सोच रहा था पर कह नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने फैसला कर ही लिया है कि बात बोल दूं। तुम यकीन करो या ना करो, But I really love you, Shweta. I love you. Hi. हाँ, तो मैं कह रहा था कि Miss Shweta Sharma. Yes. Please come. Thank you. Excuse me, sir. आपके guest आ गए। जब तुमने उसे देखकर ही अपना मुंह छुपा लिया तो हाले दिल कैसे कहोगे? कहूंगा, जरूर कहूंगा। हाय। हाय, विश कर रहे हो या आशीर्वाद दे रहे हो? लो, अब ट्रैफिक कंट्रोल करने लगे। जल्दी जाओ और हाले दिल बयान करो। आप? मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ठीक है, मैं बैठ के ही बोल देता हूँ। क्या बोलेंगे? जी जी, आए। आप मुझे जानती हैं ना? ऑफ कोर्स, आप रोशनी के भाई हैं। रोशनी? मेरी सहेली, आपकी बहन। या ऑफ कोर्स, आपकी सहेली और मेरी बहन। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। जी जी, मेरा मतलब है कि ये बार और झाड़ की कॉम्बिनेशन कितनी अच्छी है ना। गौरव मियां, बार और झाड़ की तारीफ बंद कर और इनकी तारीफ कर। इनकी करूंगा, जरूर करूंगा। क्या करेंगे आप? जी जी जी, मेरा मतलब है कि आपने आके कमरे देखे? जी नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। आपका मतलब क्या है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि यहाँ के होटल में 340 कमरे और होटल के बाथरूम में 24 आवर्स हॉट एंड कोल्ड वाटर आता है। अबे तू लवर बनने आया है या प्लम्बर बनने? चल जल्दी बोल, यही तो मौका है। श्वेता, श्वेता, आई। नमस्कार श्वेता जी, नमस्कार। आप? हाँ, आपका चाहने वाला, आपका प्रशंसक हूँ, जिसकी वजह से एक कलाकार कलाकार होता है। मेरा मतलब आपका शुभचिंतक। आप? जी, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। आपके शुभ दर्शन हो गए, मेरे मन को अपूर्व शांति मिली। शांति तो मेरे मन को मिली है आपके दर्शन करके। आप कितने महान इंसान हैं,
आप बैठिए ना। बैठता हूँ मैं उठता हूँ। वैसे भी दो इंसान बात करते हो तो तीसरा डिस्टर्ब करता है, क्यों श्वेता जी? गए थे मोहब्बत की जंग जीतने और तुम दबाकर भाग आए। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी अपने दिल की बात उसे कह भी सकोगे। कहूंगा, अगली बार जरूर कहूंगा। इसके जवाब में तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। बस इतना कहूंगी कि आपकी शुभकामनाओं ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अजी, शुभकामनाओं को छोड़िए, मेरी तो हर कामना आप हैं। तन मन धन सब है तेरा। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए। थैंक यू। माफ करना श्वेता, आज मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। तुम्हारा शुभचिंतक। अच्छा, तो आप मेरे शुभचिंतक हैं? जी। मैं आपकी कामना हूँ? जी। झूठे मक्कार लायर, शर्म नहीं आती इस उम्र में झूठ बोलते हुए? इडियट। हाय श्वेता। हेलो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारे आने से इन तमाम पेंटिंग का रंग और भी गहरा हो गया। शुक्रिया हुसैन साहब। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो रही है तो मैं दौड़ी चली आई। ये तो एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की कदर कर सकता है। आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप तकलीफ करते हैं, हम खुद देख लेंगे। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, प्लीज। चलो। ये रंग कितना अच्छा है ना, ब्यूटीफुल। अरे ये कैसे हो सकता है? श्वेता, ये हुसैन साहब के रिश्तेदार तो नहीं? श्वेता, ये तस्वीर तो हिल रही है। चल, तेरा चश्मा हिल रहा है। पहले दाएं तरफ देख रहा था, अब ये बाएं तरफ देख रहा है। नहीं, बाएं तरफ ही देख रहा था। दाएं तरफ देख रहा था, बाएं तरफ देख रहा था, दाएं तरफ देख रहा था, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। उफ़ो, आपस में क्यों लड़ रही हो? मैं अभी पूछ कर आती हूँ कि ये किस तरफ देख रहा था। मैं भी आती हूँ। हुसैन साहब तो चले गए। वो भी चला गया। चलो ढूंढते उसे। डोंट मूव। आगे मत बढ़ना, वरना गोली मारूंगा। डेफिनेटली मारूंगा। आई शूट। कम कम ऑन स्वीटहार्ट। ए, गो बैक। छोड़ दो मुझे प्लीज। गो बैक नाउ, मूव स्वीटहार्ट। That's like a good sweetheart. Come on, baby. Come on. आज हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। नहीं। तुम गाओगी, मैं सुनूंगा। नहीं। मैं सुनूंगा। Hello, sweetheart. हर तरह से समझाने की कोशिश की मैंने, पर वो समझती नहीं। क्या करूं, कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं? काश वो कहीं से आकर बस इतना कह दे मुझे कि आई लव यू। क्या गाड़ी संभालो, गाड़ी। अरे मैंने तो जिंदगी की गाड़ी तुम्हारे हवाले कर दी, अब जहां जी चाहे ले चलो।
श्वेता, रोहित बोल रहा हूँ। ओह रोहित, अरे तुम हो कहाँ? आज दो दिन से मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। I'm sorry, कल मैं रिकॉर्डिंग में थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अरे ये तुम्हारी उम्र काम में नहीं प्यार में बिजी होने की है। चलो बोलो कहाँ मिलोगे आज? Impossible, मैं तो तुम्हें और 48 घंटे तक नहीं मिल सकती। दो दिन? नहीं 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 नहीं, मैं तो तुम्हें देखे बगैर अब एक भी दिन नहीं रह सकता हूँ, समझी? जब सारी दुनिया सो रही होगी ना, इंक्लूडिंग योर ग्रेट ब्रदर, तब तुम्हारा ये पागल प्रेमी तुम्हें मिलने आएगा, रात के 12 बजे। अच्छा, भैया से हजामत करवानी है? वैसे I challenge you. I accept the challenge.
बहुत शरीफ लगते हो, चोरी करते शर्म नहीं आती। आज नहीं, पर तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। मैं इस घर का मालिक हूं। तुम इस घर के मालिक हो तो फिर चोरों की तरह क्यों बातें कर रहे हो? अगर मालिक की तरह बात करूंगा तो तुम जैसे चोर हाथ में कैसे आएंगे? ओ। लेकिन वो कौन है? लगता है वो भी चोर है। आओ चोरी चोरी देखते वो क्या चोरी करता है। आओ चलो 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 चलो। कर देगा। अरे तू क्या देखेगा उसे, तुम दोनों को मैं देख लूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई। अरे छोड़ ना छोटे भाई, तुम तो लुटवा दोगे मुझे। ए, ए, अरे कौन है तुम? मैं क्या करता, जल्दी बोल। मैं CIA। CIA क्या है? CIA चोर इंटेलिजेंस एजेंसी। ओ, अरे बैग में क्या है? नहीं बताऊंगा। बैग में क्या है? बता कंबख्त। क्यों बच्चों, भगा दिया अपने पार्टनर को? अरे वो चोर है, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अरे देखते हैं, अभी देखते हैं। आदमी को पकड़ रहे हो यार तुम। कौन है, क्या हो रहा है? श्वेता देखी मेरी बहादुरी, आज मैंने दो दो चोरों को एक साथ पकड़ा। एक तो भाग गया लेकिन मैंने उसके साथी को पकड़ लिया। जाओ 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 जल्दी पुलिस को फोन करो। ए भैया। भैया को क्यों परेशान करती हो, उन्हें सोने दो। रोहित यही मेरे शेखर भैया हैं। भैया मर गए। अरे रुक रुको भाई, रुको रुको। यही है रोहित, रात के 12 बजे के टेलीफोन वाले। श्रीमान रोहित कुमार जी, अब जरा सर तो उठाइए, जरा देखिए तो दे। भैया माजरा क्या है? कभी तुम अंधे भिखारी बन के नजर आते हो, कभी चोर के रूप में आते हो। शेखर भैया, भोलेनाथ ने पार्वती को पाने के लिए न जाने कितने रूप धरे थे, याद है ना? मैंने तो सिर्फ दो ही रूप धरे हैं। ये तो बड़े धार्मिक भी हैं। अच्छा तो अब एक काम कीजिए, आप तीसरा रूप धरने के लिए तैयार हो जाइए। कौन सा? दूल्हे का। अरे रोहित ये क्या मजाक है, ये ऑफिस है कोई घर नहीं। तू है जब बॉस मेरा तो मुझको कैसा डर, चाहे हो ये ऑफिस तेरा चाहे हो ये घर। अरे मगर हुआ क्या? हाँ मेरे होने वाले साले ने हरी झंडी दिखा दी। अच्छा इतनी अच्छी खबर सुनाकर तूने तो मुझे खुश कर दिया। वो तो ठीक है लेकिन तुम मुझे कब खुश कर रहे हो यार? मैं बहुत जल्द। लगता है आपने अभी तक अपनी जानेमन को अपने प्यार के बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाँ बोल दूंगा। कब? जब तुम होंगे 60 साल के और वो होगी 55 की। कहो तो तुम्हारी तरह से मैं बोल दूं? जी नहीं, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही कह दूंगा। लेकिन कब? दिल की धड़कन कहती है तीस सी दिल में रहती है, दिल ही दिल में प्यार किया पर न कभी इजहार किया। आज साफ साफ ये कहना है, आज साफ साफ ये कहना है, तेरे दिल में मुझे रहना है, तेरे दिल में मुझे रहना। दिल की धड़कन कहती है तीस
रहना है तेरे दिल में, मुझे रहना पीते उठते बैठते एक ही तो नाम लेता हूँ मैं, श्वेता श्वेता श्वेता। कभी तो सीरियस हो जाए करो रोहित, लाइफ में नहीं तो कम से कम रोमांस में तो सीरियस हो जाओ। ओके, सुहाग रात को सीरियस हो जाऊंगा। जोकर तेरी जो करता हूँ कर लेने दे। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ, तुम ही तो पकड़ा हुआ है, छोड़ो ना, अरे कोई आ जाएगा। अपनी जाने मन से प्यार करता हूँ, छोड़ो ना। क्यों? जाना नहीं है, देर हो रही है, चलो चलो। अरे ये फूल यहाँ कौन रख के गया, ना कोई नाम ना पता। इसका मतलब वो यहाँ आए थे? कौन? शुभचिंतक। अगर यहाँ आए थे तो भाग क्यों गए? पता नहीं, शायद वो मुझसे डर के भाग गए। ठहरो, मैं उन्हें पकड़ के लाता हूँ। अच्छा, क्या हुआ, पकड़ लिया? नहीं, काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। अगली बार मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। ओके ओके चलो। अरे तू भी उसे देखता तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है। एक शोक चंचल चुलबुली, क्यों क्या हुआ, क्या मिली तुझे तेरी भाभी? ढूंढने गया, अपनी भाभी मिल गई तेरी भाभी। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, ये खुला आसमान, ये ठंडी हवा, आई जस्ट लव इट। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम आज कितनी खूबसूरत लग रही हो। जी चाहता है कि बस तुम्हें यूं ही देखता रहूं।
अटका दूं या लटका दूं। मुझे तुम्हारी कमी हमेशा महसूस होगी। आई रियली मिस यू माय फ्रेंड, आई रियली मिस यू। मिस्टर शेखर, रोहित की अचानक मौत ने श्वेता की आवाज छीन ली, वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना वक्त गुजर गया डॉक्टर साहब, लेकिन श्वेता की हालत में जरा भी सुधार नहीं। उसकी खामोश निगाहें अब भी रोहित को तलाश करती रहती हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि वो अब लौट कर आ ही नहीं सकता। Have courage, Mr. Shekhar. I can understand. आप पर क्या गुजर रही है? तो डॉक्टर साहब, श्वेता क्या अपनी खामोशी के अंधेरे से कभी बाहर नहीं आ सकेगी? श्वेता को बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टर्स की सलाह भी ली गई है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पेशेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। साहब, मैंने श्वेता को अपनी बहन नहीं अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं अपनी जान देकर भी अगर अपनी बच्ची की आवाज वापस ला सकता तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मैं अपनी बहन के लिए क्या करूं? हाय श्वेता। अरे यार, मैं तुझे हमेशा इसी ट्रेजिक पोज में देखती हूँ। डाले और भी पोजेज है जमाने में, इस पोज के सिवाय। जरा सोच तो, शेखर भैया पर और मुझ पर क्या बीतती होगी तेरी ये हालत देखकर। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन मजा तो तब आए जब औरों के लिए जिए, है ना? यानी कि जियो और जीने दो। ये हुई ना बात। सुन, कल मुझे कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तेरा वहां होना बहुत जरूरी है। यू समझ, तेरी रजामंद के बाद ही मैं शादी का फैसला करूंगी। आएगी ना? देख, अगर तू नहीं आई ना तो मैं जरूर आएगी। रोशनी, हजार बार समझा चुका हूं इसे, घर से बाहर निकला कर लोगों से मिला कर जी बहल जाएगा, पर मजा ले अपने भाई की एक बात मान लिए। शेखर भैया, अगर ये मेरे घर कल नहीं आई ना तो मैं तो यही भी धरना देके बैठ जाऊंगी। बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी यही धरना मार के बैठ जाता हूँ। मैं भूख हड़ताल करूंगी। मैं भी करूंगा। हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो भाई, पूरी करो।
जोर से बोलो पूरी करो। जोर से बोलेंगे पूरी करो। हंस के बोलो पूरी करो। हंस के बोलते हैं पूरी करो। आइए मदन, ये है मिस्टर मिसेस ढिल्लों। हाउ डू यू डू। नमस्ते, ये मेरी बीवी हैं। नमस्ते। और ये मेरा बेटा गौरव। और ये है उनके बेटे वीरेन। अच्छा, अरे जीते रहो बेटे, आ बैठो। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। बैठिए ना प्लीज। वाह, इतने साल अमेरिका में रहकर भी तुम अपनी तहजीब को नहीं भूले। भूलूंगा क्यों, मुझे भारतीय होने पर गर्व है और हमारी संस्कृति ही हमारा धरोहर है। शाबाश बेटे शाबाश, लगता है तुम्हें अपने देश से बहुत प्यार है। बहुत। ये तो देश प्रेमी निकला, अब मेरा क्या होगा। मदन, he had the best of opportunities in America, लेकिन इसने सबको ठुकरा कर अपने देश में रहकर लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझा। और भाई अब तो इसका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। Really? Interesting. है ना गीता रानी? जी हाँ, वीरेन की ख्यालात जानकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई। श्वेता बेटी, जरा रोशनी को तो ले आना। अगर ये रिश्ता तय हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरे दोनों अच्छे दोस्त समधी बन जाएंगे। जीते रहो बेटी। लो जी, आज से आपकी बेटी हमारी होगी। आपका बेटा हमारा। भैया रुको 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 रुको, तुम रुको मैं आती हूँ। भैया ही श्वेता की शुभचिंतक हैं। आओ बेटे आओ, इन्हें देखो और बताओ कि हमारे घर की बहू इनमें से कौन बनने वाली है। मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है। अब रोशनी की शादी सर पर है, उसकी तैयारी करनी है। मुझे जब शादी करनी होगी तो बता दूंगा। जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल जाता है, न जाने उसके दिल में क्या है। मम्मी डैडी आई एम होम। आजा आजा बैठ, तू बड़े अच्छे वक्त पर आई है। देख इन तस्वीरों को और जरा समझा अपने जिद्दी भैया को। मम्मी ये सब लड़कियां अगर भैया के लिए है तो यकीन मानिए ये सब के सब कमारी रह जाएंगे। तू कैसे सर फिरी बातें कर रही है, कोई ना कोई तो हमारे घर की बहू बनेगी ना। बनेगी, जरूर बनेगी। कौन? ये श्वेता। श्वेता, ये तू क्या कह रही है। यस मम्मी, मैं 101% सच कह रही हूँ। भैया श्वेता को बहुत चाहते हैं। और अब इस लव स्टोरी को एक हैप्पी एंडिंग देने के लिए हमें हीरो और हेरोइन को मिलवाना पड़ेगा, और ये शुभ काम आप दोनों करेंगी। भैया ये लड़की तुम्हारे लिए हर तरह से लायक है। रोशनी। भैया ये सुशील है, गुणवान है, समझदार है। माँ इसे कहो कि बकबक बंद करे। बेटी तुम एक नजर देख तो लो ना। माँ मैंने आपसे कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। ठीक है फिर तो इसे भी मर कर ही देते हैं। मम्मी। हाँ बेटा। कुछ नहीं। मम्मी। बोलो बेटा। नहीं कुछ नहीं, कहने दो। ये कुछ नहीं क्या है, ये क्यों नहीं कहते कि कुछ है, मन भावे और मुंडिया हिलावे। बदमाश कहीं का, दिल ही दिल में श्वेता को चाहता रहा और हमें बताया तक नहीं। कैसे बताता मम्मी, श्वेता और रोहित एक दूसरे को बहुत चाहते थे और मैं उन दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता था। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ बेटी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। भगवान ने श्वेता की किस्मत में रोहित का प्यार नहीं तुम्हारा साथ लिखा है। मैं आज ही श्वेता के भैया से बात करूंगी। आज क्यों मम्मी, अभी इसी वक्त। चलो मम्मी चले। चले, चले।
ही तुझे दिल दिया है चोरी चोरी। तशरीफ लाइए। कैसी हो श्वेता? आई बेटी। कब रश्मि? इतने दिनों से तुम घर पर नहीं आई, हम क्यों? रामू। जी सर। भाई चाय वाला। जी लाया। अच्छा हुआ शेखर, आज तुम मुझे घर पर ही मिल गए। आज मैं तुम्हारे घर से बहुत ही कीमती चीज चुराने आई हूँ। कीमती चीज? मैं समझा नहीं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगने आई हूँ।
अपने बेटे के लिए श्वेता का हाथ, श्वेता के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी आप? सब कुछ जानने के बाद ही तो मैं अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांगने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। तो तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तूने अपने भाई के बारे में कभी सोचा है, जिसने हर भाई की तरह एक सपना देखा होगा कि उसकी भी बहन डोली में बैठ के ससुराल जाए? उसके भी कुछ ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? तू अपने सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचती है? अच्छा ठीक है, कम से कम तू ये तो सोच, जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। मुझे नहीं मालूम था श्वेता कि तू इतनी खुदगर्ज है। रोशनी, वक्त के हाथों दबे हुए इंसान को खुदगर्ज नहीं कहते, मजबूर कहते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी श्वेता कुछ जज्बात के दबाव में या किसी रिश्तेदारी का लिहाज करके अपनी जिंदगी के साथ कोई अनचाहा समझौता कर ले। ये मुझे किसी कीमत मंजूर नहीं कि मेरी बहन की परेशानियां और बढ़ जाए, वो और मजबूर हो जाए। कभी नहीं। अगली तू क्यों रोती है? जब तक तेरा भाई जिंदा है, तुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देख, 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 जिस फैसले से भी तू राजी हो जाए, जिसमें भी तेरी खुशी हो, मुझे वो हमेशा मंजूर है। मत रो। ख्वाहिशें होंगी, कुछ अरमान होंगे। क्या तू ये नहीं चाहती है कि तेरी भी एक भाभी हो, शेखर भैया का अपना घर संसार हो? जिस भाई के घर में एक बहन कुंवारी बैठी हो, उस भाई को इस समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती हैं, कितने ताने सहने पड़ते हैं उसे। We'll be right back.
डॉक्टर अंकल। हाय गौरव बेटा, आओ बैठो, सिट। ये रोशनी के शादी के कार्ड हैं, जो आपको अपने सर्कल में बांटने हैं। ये शादी के कार्ड्स तो ठीक है, तुम अपनी शादी के कार्ड्स कब दे रहे हो? पहले रोशनी की तो शादी हो जाए अंकल, मैं चलता हूँ अंकल, अभी बहुत सारे कार्ड बांटने मुझे। ओके गौरव, क्या हुआ बेटा? गौरव बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं अंकल, ऐसे चक्कर आ गया था। ओ, पहले कभी ऐसा हुआ है? बस अंकल दो तीन बार पहले। कमाल है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। बताने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ थोड़ा चेकअप के लिए चलो। ये रही गौरव की रिपोर्ट। ओ सारी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद मैं और डॉक्टर राव इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गौरव को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर राव क्या सजेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा है कि पेशेंट को जितनी जल्दी हो सके मेडिसिन्स और केमोथेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। हेलो डॉक्टर अंकल। गौरव। हेलो डॉक्टर माथुर। हेलो। तो क्या कहती है मेरी रिपोर्ट? मेरा मतलब है कि अपनी बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल का क्या हाल है? सारी दीवारें सही सलामत है ना? कहीं कोई चोर तो नहीं घुसाया? बेटा, अगर कोई चोर अंदर आ भी गया तो तेरा ये अंकल उस चोर को निकाल कर भगा देगा। उस चोर को तो भगाना ही होगा अंकल, कहीं वो सारी आशाएं सारी खुशियां लूट के ना ले जाएं। एनीवे अंकल, आई हैव फेथ इन यू। अंकल, ये चोर वाली बात अपने तक ही रखना। सब आते हैं तेरे दर पर प्रभु, कुछ ना कुछ मांगने, और तू उनकी मनोकामना अपने आशीर्वाद से पूरी कर देता है। आज मैं भी आया हूं तेरे दर पर कुछ मांगने, अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जिसे मैंने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा है। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु कि मेरी जान तब तक न जाए जब तक मैं श्वेता की जिंदगी में खुशी की किरण न देख लूं। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। देखिए तो कौन आया है, आपकी प्यारी सी बहन का प्यारा सा पति आया। कहाँ खो गए आप हुजूर? हाँ वीरेन, तुम कब आए? कैसा रहा तुम्हारा सफर? अरे पूछिए मत, उत्तम, अति उत्तम, सर्व उत्तम। धोनी, टोनी ब्रिगेंजा की तस्वीर आपके साथ। कौन टोनी? टोनी ब्रिगेंजा, मेरी गाड़ी का मोटर मैकेनिक। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है वीरेन, ये टोनी ब्रिगेंजा नहीं है बल्कि मेरा दोस्त रोहित मल्होत्रा है जिसकी एक हादसे में मौत हो गई। ओह, आई एम सॉरी, मगर आपके दोस्त की शक्ल टोनी से इतनी मिलती जुलती है कि अगर आप भी देखेंगे ना तो धोखा खा जाएंगे। सोन्याची ही पोरी कोणाची?
अपुन तो सोच भी नहीं सकता था कि आप अपुन के सिस्टर की शादी में आएगा। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम बुलाओ और हम ना आए। बाय द वे मेरे साले। अरे हाउ आर यू सर? टोनी बिगन। टोनी बाबा आओ, कम आजा आजा आजा। हाँ कमिंग मामी, कमिंग। रात की पार्टी में जरूर आना। हाँ आप भी आना सर। सी यू। क्या सोच रहे हैं आप साले साहब? सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कुदरत का करिश्मा। टन 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 तारा चलती है क्या नौ से बारह? टन टन अटन टन टन तारा चलती है क्या नौ से बारह? चलती है क्या नौ से बारह? चलती है क्या नौ से बारह? नौ से बारह, नौ से बारह, नौ से बारह। नाना दे दे पाना। ये गुरगुर के किसे देख रिया है? तेरी तो टोनी। टोनी हाँ, तूने कोई लफड़ा किया क्या? क्या लफड़ा? हाँ पहले तो मेरी बात का जवाब देना, तूने कोई लफड़ा किया क्या? तू क्यों पूछ रहा है यार? वो आदमी जो कार में बैठा है ना, हाँ वो मेरी शादी में वीरेन सेठ के साथ में आया था। वो तुझे ऐसे घूर कर देख रहा है जैसे सीआईडी ऑफिसर हो। जरा मुंडे घुमा के देख, देख कैसे देख रहा है तुझे। तुम अपन को ढूंढ रहा है ना? अपन काफी दिनों से देख रहा है कि तुम अपन को दिन रात फॉलो कर रहे हैं। साहब अगर तुम वीरेन साहब का रिलेटिव नहीं होता ना तो अपन तुम्हारा इंजन अभी का अभी डाउन कर देता। बोल क्या लफड़ा है? और इस तरह मैंने अपना दोस्त और श्वेता ने अपना प्यार, अपनी आवाज खो दी। देख साहब अपन तो मैकेनिक लोग हैं, गाड़ी ठीक करता हूं मैं। हाँ अपन किसी का आवाज ठीक नहीं कर सकता। टोनी अगर तुम्हारी मदद से किसी को नई जिंदगी मिल जाए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अपन का पूरा फैमिली है इधर, अपन का मदर है, मारिया है, धंधा है, सब कुछ है यार। अपन इसको नहीं छोड़ सकता, बहुत लॉस होगा मैन, बहुत लॉस होगा। ये रहा चेक टोनी, जितना मर्जी है भर लो लेकिन इनकार मत करो। एक इंसान होने के नाते
तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टोनी, प्लीज रख लो। गौरव लॉ जी लॉ, लौटा है आपके लाल। अब अपना चौकसा दिखाने के लिए आपके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। आप भी इसे रोहित समझकर धोखा खा गए ना, जिस तरह मैं धोखा खा गया था। तो क्या ये रोहित नहीं है? ये है टोनी ब्रिगेंजा और ये है मेरे डैड। ओ हेलो साहब। और ये है मेरी माँ। मैम साहब तुम यहाँ बैठो, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। अरे टेक योर टाइम, अपुन इधर ही बैठता है। ओके हाँ? ओ अब तो थक गया ला रे। नो 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 नो, अरे अपुन तो भूल गया, आप बड़ा लोग तो सिर्फ 5-5-5 पीता है ना। पहले तो हमने आपको कभी नहीं देखा। अरे कैसे देखता है सर, अपन तो बॉम्बे सिटी में रहता है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए? अपन किधर आए सर, अपन को लाया गया। वो क्या नाम है आपका सन का? गौरव, गौरव ने अपन को लाया। मगर क्यों? मैं पूछती हूँ टोनी को यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? तुम नहीं जानती माँ, अगर श्वेता टोनी को देखेगी तो वो जानता है उस बेचारी पर क्या गुजरेगी। वो जैसे तैसे अपने दुख को भूल रही है। बड़ी मुश्किलों से श्वेता ने दोबारा मुस्कुराना सीखा है। अरे जिन जख्मों को वक्त भर चुका है, तुम उन्हें दोबारा खुरेदना क्यों चाहते हो गौरव? ये कैसा प्यार है तेरा, तू खुद अपना दुश्मन क्यों बनना चाहता है? तुम गलत समझ रही हो मम्मी, श्वेता अगर टोनी को देखेगी तो उसे रोहित समझेगी। हो सकता है इस हादसे में उसकी आवाज वापस आ जाए। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था? तुम्हारी ये बातें मेरी समझ के बाहर हैं। बेटी मैं तुम्हारी माँ हूं और हर हाल में तुम्हारी खुशी चाहती हूं। और मैं हर हाल में श्वेता की खुशी चाहता हूं। कम श्वेता, didn't I tell you? यहां की ज्वेलरी बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आई ना? सबरवाल, या यू कैन फिक्स द मीटिंग टुमारो। We'll be right back.
श्वेता कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें यहाँ वहां ढूंढ रहा था। एनी प्रॉब्लम? चलो कम।
पहचाना मैंने तुझे, प्यार किया दुनिया के आगे इकरार किया तुझे, देखा बस तेरा हो गया, तेरी मीठी मीठी बातों में खो गया मुझे, रात तो नींद न आए, मुझे रात तो नींद न आए, कि तेरी पल पल याद सताए तो सुन ले सोनिए, मुझे रात को नींद न आए, कि तेरी पल पल याद सताए तो सुन ले सोनिए, my heart, don't break my heart. Is everything all right? Yes, Dad. Good sleep. Good night. Yes, Dad. बेटे रुको, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं माँ, मैं जल्दी में हूँ। Oh my God! ये सब क्या है? इतनी सारी दवाइयाँ क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं गोयल, तुम जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हारी यह खामोशी किसी तूफान का अंदेशा दे रही है। यह मत भूलो गोयल कि तुम सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं, मेरे दोस्त भी हो। मदन, डोंट वरी गोयल, आज भी मुझ में कड़वे से कड़वा सच सुनने की हिम्मत है, तो सच सच बताओ किस बीमारी का इलाज कर रहे हो तुम? गौरव को ब्रेन ट्यूमर है। मदन, मैं गोयल बोल रहा हूं। हाँ गोयल, क्या हुआ? अमेरिका में डॉक्टर जॉन स्लेटर से मेरी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। मैंने वहां मैसेज छोड़ा है कि जैसे ही वो लौटे अर्जेंटली मुझे कांटेक्ट करें। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गौरव का इलाज जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। It's a matter of urgency. I need my son. I need my son.
Don't worry, Sunny boy. Everything will be fine. लेकिन माँ से कुछ मत कहना डैड। कोशिश करूंगा बेटे। तुझे याद है बचपन में एक दफा तेरा एक खिलौना टूट गया था। तू भागा भागा मेरे पास आया कि पापा इसको जोड़ दीजिए वरना माँ को पता चल जाएगा और वो मुझे बहुत डांटेंगी। मैंने उसे जोड़ दिया और आज तक तेरी माँ को पता नहीं चला। मगर बेटे अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं और मेरी नजरें भी कमजोर होने लगी। अब तेरी मां को पता चल गया तो मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। वैसे मां और भगवान से कुछ नहीं छिपता। हे भगवान, ये कैसा खेल है तेरा? गीता, टूटने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। भगवान पे भरोसा रखो। गौरव, 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 क्या बात है टोनी, बड़ी बेचैन लग रहे हो, आओ बैठे। नहीं नहीं नहीं, अपुन इधर बैठने को नहीं आया, अपुन जाने के वास्ते आया है। अपुन खाली बोलने को आया कि गुड बाय। इतने जल्दी जाना चाहते हो टोनी? मेरी बात को समझो। पता नहीं तुम्हारी कौन सी मुलाकात श्वेता के लिए सौगात बन जाए और उसकी आवाज वापस लौट आए। देख देख गौरव साहब, अपुन क्या बोलता है, अगर तुम्हारी श्वेता का आवाज वापस आने को होता तो तभी जा जाता जब उसने अपुन को पहली बार रोड पे देखा था। उस टाइम पे भी आ सकता था जब उसने अपुन को हिल्टन के पास देखा था, और तभी भी आ सकता था जब उसने अपुन को होटल में देखा था और फॉलो किया। लेकिन आज नहीं ना यार, अगर इतनी बार अपुन को देखने के बाद उसका आवाज वापस नहीं आया तो आई एम सॉरी गौरव साहब, तुम्हारी श्वेता का आवाज कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा मत कहो टोनी। देख मिस्टर गौरव, अपुन से जितना हो सका उतना किया तुम्हारे लिए और तुम्हारी श्वेता के। अभी अपुन एक सेकंड में इधर नहीं ठहरेगा। गुड बाय टोनी। टोनी मेरी बात सुनो, टोनी, टोनी प्लीज मेरी बात सुनो टोनी, टोनी। रोहित, रोहित मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था इतने दिनों तक? तू अपनी मां को बेसहारा अकेला छोड़ के कहां चला गया था बेटा? तू इतना कठोर हो गया कि तुझे एक बार भी अपनी बूढ़ी मां की याद नहीं आई। लेकिन मुझे मालूम था एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। अरे इसी विश्वास की डोर को पकड़ कर तो तेरी मां ने अपनी सांसों की डोर को टूटने नहीं दिया बेटा। काय को खाली बिली फोकट में अपन का भेजा खा रहा है तू? हां अपन रोहित नहीं टोनी है, समझा क्या? टोनी ब्रिगेंजा। झूठ बोल रहा है तू, अपनी माँ के साथ इस उम्र में मजाक कर रहा है तू। नहीं बेटा, अपनी माँ से ऐसा मजाक मत कर। कह दे कि तू मेरी आंखों का नूर है, कह दे कि तू मेरे बुढ़ापे की लाडी है, कह दे बेटा, कह दे। सॉरी मैम साहब, अपन तेरा कुछ भी नहीं लगता, अपन को माफ करो प्लीज। रोहित, रोहित, रोहित रुक जा, रुक जा मेरे बच्चे। ये नहीं रुकेगा माँ जी, क्योंकि यह आपका बेटा नहीं है। अगर बेटा होता तो बार बार आपको अपने मां होने का सबूत ना देना पड़ता।
किए तुम्हें? कौन हो तुम? हाँ? गुंगी हो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ समझ भी नहीं आ रहा मुझे। मैडम तुमको कोई गलत फहमी हुआ है? आपने नहीं है? क्या कर रही हो तुम? मैडम तुमको कितनी बार बोला कि आपने नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बहुत हो गया मैडम, अब निकलो यहाँ से। I said get out, guys said get out. श्वेता के इलाज के लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत पर लाया गया, उसे धक्के मारकर निकाल देगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गौरव साहब, चास्ती चिल्लाने का नहीं, उस लड़की ने जो हरकत किया अपन क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देख तुम्हारा लव है, तुम्हारी फैंसी है ना, तो अपन का गला क्यों फटा? बहुत सी छोकरी लोग आया और गया, लेकिन टोली ने किसी को घास नहीं डाला, समझा क्या? तुम्हारी उन लड़कियों में और श्वेता में बहुत फर्क है। वो तुम्हें टोनी समझ के नहीं बल्कि रोहित समझ कर ये सब कर रही थी। उस मासूम को क्या मालूम कि तुम उसके रोहित नहीं हो बल्कि कोई टोनी ब्रिटेन ना हो। अपुन भी तो यही बोला, लेकिन वो सोचती का अपुन ऐसा नहीं करता तो क्या करता? तुम इस बोलो गौरव साहब, अब जो हो गया सो हो गया, अब अपुन का जान छोड़ो यार। अब अपुन एक मिनट भी ठहरने का नहीं। ये लो टिकट और चले जाओ यहां से। अब मैं तुम्हें एक मिनट यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम एक बेवकूफ, जाहिल और घटिया इंसान हो जिसे एक मजबूर लड़की से बात करने का तरीका तक नहीं। गौरव साहब, शट अप एंड गेट आउट। आई से गेट आउट, गेट आउट। गौरव साहब, गौरव साहब, क्या हो गया तुम्हें? गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव साहब, गौरव। कितनी बार समझाया इसे कि डॉक्टर अंकल से चेकअप करा लो, लेकिन नहीं। मिस्टर टोनी ब्रिगेंजा उर्फ रोहित मल्होत्रा, मान गए दोस्त, जिसे मां की ममता नहीं तोड़ सकी, जिसे उसका प्यार नहीं तोड़ सका, वो ढूंढा तो एक दोस्त की दोस्ती के आगे। लोग तो अपनों के लिए जीते हैं और तुम अपनों के लिए मर गए। क्या मैं पूछ सकता हूं यह सब करने की क्या मजबूरी थी? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं अपने दोस्त की खातिर मजबूर था। वो दोस्त जिसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं भूखा प्यासा नौकरी की तलाश में भटक रहा था, वो दोस्त जिसने मेरे घर को नीलाम होने से बचा लिया, वो दोस्त जिसने मेरी मां के बहते हुए आंसू पोंछे, वो दोस्त जिसने अपनी प्यार की कुर्बानी देकर अपने दोस्त का घर बसाना चाहा। ये तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी गौरव, तुम्हारी। श्वेता से चोरी चोरी दिल ही दिल में प्यार करने वाले कोई और नहीं तुम हो, उसे जर्रे से आफताब बनाने वाले कोई और नहीं तुम हो। यू आर द मैन बिहाइंड अ सक्सेस। ये सब झूठ है, ये सच है। और ये भी सच है कि श्वेता का शुभचिंतक कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? तुम जब पहली बार गुलदस्ता लेकर श्वेता से मिलने आए थे तो मैंने तुम्हें जाते हुए देख लिया था, और जब मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में मालूम हुआ तो मैंने सोचा कि श्वेता के प्यार का अगर कोई असली हकदार है तो तुम ही हो। यही सोचकर मैंने फैसला किया। बोल, किसको अटकाना है और किसको लटकाना है? हा? मुझे। और इस तरह रोहित हमेशा हमेशा के लिए मर गया और पैदा हुआ टोनी, टोनी ब्रिगेंजा। लेकिन तुम्हारी दोस्ती ने, तुम्हारे प्यार ने
मरे हुए रोहित को फिर से जिंदा कर दिया। मगर गौरव, रोहित दुनिया की नजरों में मरा रहे, इसी में सबकी भलाई है। नहीं रोहित, सबकी भलाई तो इसमें है कि रोहित जिंदा रहे, एक मां को उसका बेटा मिल जाएगा, श्वेता को उसका प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा दोस्त। श्वेता को तो मैंने चाहा है, लेकिन उसकी चाहत है तो तुम्हारे लिए, उसकी सारी खुशियां हैं तो तुम्हारे लिए, उसके सारे सपने हैं तो तुम्हारे लिए। रोहित श्वेता के खामोश लबों पर आज भी सिर्फ तुम्हारा नाम है। आज उसका ये शुभचिंतक उसे उसका प्यार लौटाना चाहता है। चलो मेरे दोस्त, देर मत करो, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। अपना साथ यहीं तक था मेरे दोस्त, ऑल द बेस्ट। को समझने की कोशिश करो श्वेता, श्वेता तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये क्या हो रहा है, कौन हो तुम? रोहित, तुम जिंदा हो तो फिर अब तक कहां थे? यही तो मैं समझाने आया था आप लोगों को कि मेरी क्या मजबूरी थी, और ये है जो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। शेखर भैया, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। रोहित, तूने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। श्वेता तो अब किसी और की अमानत है, उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है गौरव से, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं मानता हूं कि मैं श्वेता का मुजरिम हूं, एक ऐसा मुजरिम जिसने अपने हाथों से अपने ही प्यार का गला घोंप दिया, लेकिन मैं मजबूर था। किसी के सच्चे प्यार, किसी की सच्ची दोस्ती के आगे मुझे सर झुकाना पड़ा। मैंने मौत का बहाना बनाया। श्वेता और गौरव की जिंदगी से दूर, बहुत दूर चला, क्योंकि मैं उन दोनों को खुश देखना चाहता था। और फिर अचानक मैंने एक दिन पुराने अखबार में न्यूज पढ़ी कि श्वेता ने अपनी आवाज खो दी। मुझे लगा कहीं मुझसे तो गलती नहीं हुई, मुझे रहा नहीं गया। यही देखने के लिए मैं यहां आया, और मैंने देखा श्वेता और गौरव को खुश देखकर मैंने फिर कभी वापस न आने का फैसला किया। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और ही था। गौरव ने मुझे ढूंढ निकाला और यहां ले आया, यह सोचकर कि शायद मुझे देखकर श्वेता की आवाज वापस आ जाए। और
और आज जो मैं आपके सामने खड़ा हूं वो उसी के प्यार और त्याग का एक परिचय है। एक ऐसे इंसान का परिचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। जिसे मिलने के लिए तुम हमेशा बेकरार रही, वो शुभचिंतक कोई और नहीं, गौरव है। हाँ श्वेता, गौरव ही तुम्हारा शुभचिंतक है। जौहरी तो मैं हो सकता हूं, लेकिन तुम्हें परखने वाला पारखी मैं नहीं, कोई और है। कोई और है? कौन है सर? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी है तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारा शुभ चिंतक है। मैं जो भी हूं, जिस मुकाम पर हूं, उस शुभ चिंतक की बदौलत है जिन्हें मैंने आज तक देखा ही नहीं। उनके लिए मैं इतना ही कह सकती हूं कि मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ठीक है, मैं बैठ के ही बोल देता हूं। मैं अपनी बेटी की खुशियां तुमसे मांगने आई हूं। मैं चाहती हूं कि श्वेता ही मेरे घर की बहू बने। क्या हुआ, पकड़ लिया? नहीं। काश मैं उन्हें एक बार देख पाती। एक ऐसे इंसान का परिचय है जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम्हारी पूजा की, जो हमेशा तुम्हारे सामने रहकर भी कभी तुम्हारे सामने नहीं आया। Ah!
पुत्र खन्ना चेक द प्रेशर। जिया के खोल दे तेरा का है इरादा, बोल दे मैं